जय हिंद, मैं भी सिंह तेवतिया और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आर्मी मेडिकल चेकअप के ऊपर। और ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाए पर लेकिन आपकी कोई भी मेडिकल चेकअप होगा, एसएससी जीडी हो, पुलिस हो या आपकी नेवी हो, कोई सा मतलब जिसमें भी मेडिकल चेकअप होगा उसमें ही आपका काम जरूर आएगा, क्योंकि आपको पता है आर्मी मेडिकल जो है बहुत हार्ड चेकअप होता है और वही आज हम इस वीडियो में सब बताने वाले हैं पूरी बॉडी का। ठीक है, सबसे पहली बात, ये चार पार्ट में डिवाइड होते हैं, जेनेटिकल और बॉडी फिटनेस, नोज, टीथ और ईयर। ठीक है, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट आई विजन। तो ये चार पॉइंट होते हैं और ये चार ही चेकअप होते हैं। ठीक है, पर ये कोई सा भी कभी भी हो सकता है, बॉडी टेस्ट आपका सबसे पहले भी हो सकता है या आई विजन भी सबसे पहले हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, पर ये चार पॉइंट है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम सबसे पहले वो चीज बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा जिस बच्चों में पॉइंट आता है, सबसे पहले आता है बॉडी फिटनेस में, जो कि आपकी बॉडी टेस्ट होती है ना पूरी, आपकी ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी टेस्ट होती है, जैसे आपके हैंड हो गए, जो आपकी नेक हो गई, मूवमेंट हो गई, शोल्डर हो गए कि कहीं पॉइंट अप डाउन तो नहीं है, वो हम बात कर लेते हैं पूरी बॉडी का। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या चेकअप कराया जाएगा, देखो आई विजन में तो अलग चीज है, आई विजन, नोज, टीथ, इन्हें तो छोड़ दो, आप ये हिस्सा तो छोड़ दो, यहां से बात करते हैं। अगर आपके शोल्डर भी अप डाउन है तो इस पे भी पॉइंट बनेगा, सबसे पहले ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा आपकी जो चेस्ट है, चेस्ट में कोई अप डाउन है उसमें भी आपका पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो यहाँ का ये एरिया होता है, किसी किसी का क्या होता है, यहाँ से दबा होता है। ठीक है, मतलब जो जिसकी बोन होती है आपकी, जो कह सकते हैं ये जो पेट होता है इस साइड का, ठीक है, ये दबा होता है तो इसमें क्या होता है, पॉइंट बन जाता है। चौथा आपके जो बैक्स होती है, बैक में क्या होता है, बहुत है कि ये झुकी होती है। ठीक है, तो आर्मी वाले इन पे भी पॉइंट बनाते हैं, अगर आपके शोल्डर वगैरह झुके हुए हैं तो ध्यान करो कि एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, पांचवा आपकी जो हाथ है, ठीक है, एल्बोज है जो आपकी, क्या होता है बच्चों के ना ऐसे टच हो जाते हैं, देखो मैं करके दिखाता हूँ, टच ऐसे टच हो जाते हैं तो इस पे भी आपका पॉइंट बनता है। कोशिश करें जब आपका वो हाथ उठवाए तो सिंपली आपको नॉर्मल ऐसे खड़ा होना है। ठीक है, भले ही ऐसे कुछ हो जाए, ठीक है, ऐसे खड़ा होना है, ऐसे ऐसे जैसे भी आपका ठीक लगे कोशिश करो। ठीक है, हाँ मानता हूं ये होता है और ये जल्दी से ठीक भी नहीं होता अगर आपके पॉइंट बन रहा है तो ध्यान रखें, एक बार अपना आप साथ साथ मेरे साथ साथ अपने चेकअप करते रहें खड़े होकर एक बार, ठीक है, फोन लगा के फायदेमंद रहोगे, आपको पता लग जाएगा कि आपको पॉइंट कहाँ बनने वाला है तो उस पर आप ध्यान दे सकते हो। ठीक है, बॉडी टेस्ट में एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जो कि मेरे जो बहुत बच्चे हैं जो फिजिकल देके आए थे उन्होंने मेरे को बताया था कि एक चेकअप हुआ था जिसमें क्या कर रहा था, आर्मी वालों ने ऐसे कूदाया था उन्हें हाथ बंद करके, उन्होंने क्या करा, पसीना चेक करा था। ठीक है, कैसे, मतलब जैसे हम कूदे थे, पसीना होता है एक नॉर्मल पसीना होता है और एक होता है चिकना, बिल्कुल मतलब रिपटता है, इससे क्या होता है, ये आर्मी वाले ये कहना चाहते हैं कि भाई जब तुम गन पकड़ोगे, जब तुम्हारे हाथ में पसीना आएगा तो गन स्लिप होगी आपसे, तो ध्यान दे अगर आपके हाथ में पसीना आता है तो आप चेकअप कराएं अपना। ठीक है, जो कि आपके लिए सही रहेगा, दवाई लें उस चीज की, अगर आपके स्वेलिंग आएगी, मतलब जो पसीना आएगा चिकने वाला बिल्कुल ऑयल की तरह, तो प्रॉब्लम आएगा, एक बार आप चेक कर सकते हैं, 30 सेकंड या 1 मिनट तक ऐसे कूदें, और अगर आपके हाथ में नॉर्मल पसीना आ रहा है, रिपट नहीं रहा इतना, तो ठीक है, अगर ज्यादा स्लिप हो रहा है तो अपना पहले ही चेकअप करा लें। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक, इस एरिया तक बात, अब आते हैं हम लेग पे। ठीक है, लेग में क्या होता है, सबसे पहले चेक होता है आपका नोकनी, इस तरीके से, अब देख लो आप नोकनी नहीं है। ठीक है, दूसरा चेक होता है हमारा फ्लैट फुट। फ्लैट फुट कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये होता है हमारा फ्लैट फुट, क्या होता है, ये कर्व है तो आप नॉर्मल हो, इसमें कोई आपको पॉइंट नहीं बनेगा, पर अगर आपका ये फ्लैट हो जाए, अगर एग्जांपल हो नहीं रहा वैसे, पर अगर आपका पूरा ऐसा फ्लैट है, मतलब जो जमीन पर पूरा यहां से लगा हुआ है, तो आपका इसमें पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप भार हो सकते हो, ध्यान रखना, भार तो नहीं होगा, पॉइंट बन जाएगा, ये ठीक जल्दी हो जाता है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर वीडियो डाला हुआ है, अगर आपका फ्लैट फुट है तो अपना स्टार्ट कर दो। और एक और पॉइंट जो कि सबसे खतरनाक है, इनमें तो चलो मान लेते हैं एक बार गलती से बच जाएं, या हम फ्लैट फुट में थोड़े बच जाएं, नोकनी में बच जाएं, पर इसमें थोड़ा रिस्क है। ठीक है, क्या कराते हैं, वो आपको लिटा देंगे इस तरीके से। ठीक है, लिटाने के बाद पूरा आपको लिटा देंगे। ठीक है, मैं तो अभी आपको बस बता रहा हूँ, पूरा लेटने के बाद वो आपका ये इस साइड से पैर पकड़ेंगे और उठा के देखेंगे। ठीक है, अगर आपका ये यहाँ पे टिकने के बाद भी आपका ये पैर उठ रहा है, अब देखो मेरा नहीं उठ रहा बिल्कुल भी, अगर आपका ये पैर उठ रहा है यहाँ से भी ऐसे करने पे, तो यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इससे पता लगता है कि आपके जॉइंट जो है अच्छे से वो नहीं है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि आप फिट नहीं हो, सिंपल सी बात। ठीक है, ये पॉइंट बहुत मार खाते हैं। एक और क्या कराएंगे आपको, इस तरीके से आपको पकड़ के बिल्कुल, मतलब आपके पैर बिल्कुल टच करा के इस तरीके से आपको बिठाएंगे और उठाएंगे, अगर आप गिर गए या आप डिसबैलेंस हो गए तो वहां पे भी आपका पॉइंट बनेगा। ठीक है,
और क्या चेक करेंगे, आपकी जो लेग है लेग में कोई पॉइंट वो तो नहीं है, मतलब जैसे नस तो नहीं है, यहाँ पे नस काफी ज्यादा चेक करते हैं। हाँ, नस में एक पॉइंट बच्चे बहुत बोलते हैं कि गांठ पे तो पॉइंट नहीं बनेगा, गांठ पे बहुत कम चांस है, वैसे नहीं बनाते, पर कोई कोई होते हैं जो बना देते हैं फौजी, ठीक है, पर लेकिन जो नस इकट्ठी होती है उन पे पक्का बनेगा। तो देखो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, नस बहुत बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं इसी चीज में। देखो मैं बताता हूँ, इससे ऐसे कोई पॉइंट नहीं बनेगा कि आपकी एक नस निकल रही है या दो नस निकल रही है, तीन नस निकल रही है, नहीं। अगर आपकी इकट्ठी है, चाहे वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, या यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, आपकी नस, देखो जैसे मेरी यहाँ हल्की फुल्की नस दिख रही है, तो इनमें कोई पॉइंट नहीं बनेगा, ये दिख रही है, तो इससे कोई पॉइंट नहीं बनेगा। पॉइंट बनेगा जब इकट्ठी हो गई, या गांठ बनी होती है ना गांठ, उससे भी बहुत कम चांस है, रेयरली चांस है, 1% चांस है, पर ये जो नस इकट्ठी है उससे 100% चांस है पॉइंट बनेगा, ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल बनेगा 100%। अब एक लास्ट पॉइंट और क्या है, मार्क के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि किसी किसी के क्या होता है, ऑपरेशन कराए होते हैं किसी ना किसी चीज के, जब पथरी वगैरह हो गया या कोई सा भी चीज हो गया, तो जो आप टाके वगैरह लगते हैं वो तो दिखते ही है, सिंपल सी बात है, तो उस पर मार्क दे देते हैं वो, भले ही आप कह देते ना पथरी का चेकअप हुआ, पर फिर भी मार्क लगेगा आपका, और फिर जब आपको पॉइंट मिल जाएगा ना, तो आप जब दोबारा चेकअप कराओगे तो वो अच्छे से स्कैन होके जो भी सिस्टम है उनका देखेंगे कि भाई किस चीज का इन्हें चेकअप कराया। अगर आप फिट रहोगे तो ठीक है, फिट कर देंगे, वरना आप फिट नहीं होगे, ठीक है। तो अगर आपके कट वगैरह पहले ही दिख रहे हैं, तो दवाइयां आती हैं जो बिल्कुल उसे रिमूव कर देती है, तो पहले अपने लगाना स्टार्ट कर दो, एक दो महीने पहले, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो। और क्या है, निप्पल विप्पल के ऊपर भी पॉइंट बनते हैं कि भाई निप्पल वगैरह किसी के से तीन तीन भी हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी पॉइंट बनते हैं, आपके दो ही होने चाहिए। ये हो गया हमारा बॉडी टेस्ट में, ठीक है, बॉडी फिटनेस टेस्ट में। अब बात करते हैं जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में क्या होता है, आपके मेन पार्ट के ऊपर, मतलब कह सकते हैं आपको पूरा नंगा कर दिया जाता है, और आपके जो मेन पार्ट्स होते हैं उनको चेक किया जाता है। सबसे पहले आपके जो होते हैं अंडकोश, जिसे हम बोलते हैं, वो अप डाउन ज्यादा नहीं होने चाहिए, हल्का फुल्का चलता है पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज चेक की जाती है। दूसरा क्या होता है अंडकोश में, ये भी देखा जाता है कि भाई आपके तीन तो नहीं है या एक तो नहीं है, बहुत के होते हैं, ठीक है, और ये भी देखा जाता है कहीं ज्यादा नस वगैरह तो टाइट नहीं है, या फूला तो नहीं है, पानी तो नहीं भरा हुआ, ये चीज ज्यादा चेक करते हैं। अगर आपका हल्का फुल्का अप डाउन है तो चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक और, यूरिन पाइप आपका चेक किया जाता है कि भाई दो तो नहीं है या ज्यादा गैप तो नहीं है, वो भी चेक किया जाता है। और जेनेटिकल में लास्ट पॉइंट क्या है कि आपको इस तरीके से झुकाया जाएगा और आपको खांसने के लिए बोला जाएगा, उसमें ही आपके पीछे से आपको वो अपने आप सब चेक कर लेते हैं, जो भी आपकी पाइल्स वगैरह होती हैं, बस जो भी सब है वो अपने आप देख लेते हैं, ठीक है, ये आपकी आती है जेनेटिकल्स में। अब बात करते हैं हमारी नोज, टीथ और ईयर में, आईज में, ठीक है, ये चार अलग अलग। सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आप कान खुद साफ करके जाओगे तो आपको पॉइंट 100% बनेगा, क्योंकि मैल फिर भी रह जाता है, ठीक है, और वो मैल के ऊपर पॉइंट बनाएंगे ही बनाएंगे, तो ये सही रहेगा कि आपका जब फिजिकल हो जाए, फिजिकल से अगले दिन ही होगा मेडिकल चेकअप, तो आप क्या करें, मेडिकल चेकअप होने से पहले डॉक्टर से अपना कान साफ करवाएं अच्छे से, ठीक है, वो जो भी लिक्विड वगैरह डालते हैं अच्छे से कान साफ हो जाएंगे और आपका पॉइंट नहीं बनेगा। दूसरा, नोज वगैरह में ये देखते हैं कि भाई कहीं से हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी हुई है या नाक बंद तो नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें चेक की जाती है। टीथ वगैरह में ये देखा जाता है भाई कीड़े वगैरह तो नहीं पड़ रहे या टेढ़े वगैरह तो नहीं है दांत, जैसे ज्यादा अप डाउन हो रहे हैं, हल्का फुल्का चलता है पर ज्यादा इधर उधर हो रहे हैं, तो भाई अपने सीधे करा लो, वो भी सीधे होते हैं। और हाँ, ईयर में क्या देखा जाता है, ईयर ड्रम भी देखा जाता है भाई वो ठीक है नहीं है, जो जिसे हम बोलते हैं पड़ता है, जिससे हमें सुनाई देता है, वो फट तो नहीं रहा या जो भी चीज है वो देखते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, दांत आपके बिल्कुल साफ होने चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए, अगर स्मेल आएगी तो उसके ऊपर भी पॉइंट बनेगा, तो आप माउथ फ्रेशनर वगैरह लेके जाना जब आपका चेकअप हो, तो उस टाइम आप माउथ फ्रेशनर यूज करें, ठीक है। दांत बिल्कुल आपके साफ होने चाहिए, अच्छे से कोलगेट करके जाना, और अगर आपके दांत पीले वगैरह हैं तो अभी चेकअप करा लो, ठीक हो जाते हैं, ठीक है, और टेढ़े मेढ़े तो वो भी ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं आईज में क्या चेकअप होता है। आईज में सबसे पहले आपके पढ़ाए जाएंगे, अक्सर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, आपकी एक आंख बंद करके इस लेफ्ट आईज से पढ़ा जाएगा, फिर राइट आईज से पढ़ा जाएगा, कलर विजन टेस्ट होगा, ठीक है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आईज विजन के लिए, आप क्या करो, यूट्यूब पे बहुत चीज है, जैसे आई कलर विजन टेस्ट कर सकते हो, अपना फोन दूर रखे और कलर विजन आप चेक कर सकते हो, आप पास में हो जाता है वो कलर विजन तो, पर लेकिन जो आप वो है ना अक्सर वाले, वो आप फोन दूर रख के चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो सब मिल जाएगा, ठीक है। बस यही मेडिकल चेकअप होगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं होने वाला, और जितने भी पुलिस की हो, SSCGD हो, कोई सी भी हो, सब में ऐसा ही चेकअप होता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें सब में फिट हो तो आप चिंता मत करो, फ्री होके जाओ, पर अगर आप टेंशन में जाओगे और आपकी हार्ट बीट ज्यादा बढ़ेगी
तो उससे आप मार खा सकते हो, आपकी वाइब्रेशन, हाथ वाइब्रेशन कापने के ऊपर, इनके ऊपर भी पॉइंट बनता है, मैं बताना भूल गया, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर भी पॉइंट बनता है, जैसे आपके हाथ सीधे कर दिए कापने लग गए तो इनके ऊपर भी पॉइंट बना दिया जाता है, ठीक है। और एक और पॉइंट, हकलाने के ऊपर, जैसे मतलब ऐसे करके बोल रहे हैं तो इसके ऊपर भी पॉइंट बना दिया जाएगा, ठीक है। दो तीन पॉइंट जो है भूल गया, जो छोटे मोटे पॉइंट है इनके ऊपर ध्यान रखना, मतलब कह सकते हैं नेचुरली बिल्कुल आप पॉजिटिव रहने चाहिए और कुछ नहीं। और हाँ, अब जो ये वीडियो लास्ट तक देख रहा है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लास्ट तक देख रहे हो जब ये आपको पता होगा ये वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।